सैयदा जहरा की गजा बताऊं। सुदैर सहरूफी कहते हैं मैं इमाम सादिक से पूछता मौला कोई अतिया अता करें। फरमाया मेरे बाबा ने उनके बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना कि अल्लाह ने 2000 साल कबल आसमान और जमीन की खिलकत से पहले फातिमा का नूर बनाया। फातिमा का नूर बनाया। पूछा या रसूलुल्लाह फातिमा उस वक्त में कहां थी? फरमाया तहता हुक्कतिल अर्श, फातिमा अर्श के नीचे बने हुए हुक्के में थी। सुरदाकिल अर्श एक संदूकचे में थी। अब ये बातें कब समझेंगे हम? बहुत सारी बातें यहां से समझने की होती हैं, यहां से नहीं होती, और बहुत सारी बातों को समझने के लिए मरना पड़ेगा जब आंखें खुलेंगी। तो नबी से सवाल हुआ या अली मौलाना की बात से मुझे एक और बात याद आई, या रसूलुल्लाह उस वक्त में फातिमा की गजा क्या थी? फातिमा अर्श के नीचे रहती थी, उस वक्त में फातिमा की गजा क्या थी? थके तो नहीं है? उस वक्त में फातिमा की गजा क्या थी? सरकार ने फरमाया मेरी फातिमा की चार गजाएं थी। आलम अनवार में मेरी फातिमा की चार गजाएं थी, अत तस्बीह हो, व तकदीस हो, व तहलील हो, व तहमीद। मेरी फातिमा की चार गजाएं थी आलम अनवार में, तस्बीह सुभान अल्लाह, तकदीस अल्लाह हु अकबर, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह।